माय चैनल ऑलराउंडर। नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं आज लाई हूँ कुछ विंटर ड्रेसेस की कलेक्शन है जो मैंने घर पे स्टिच किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने स्टिच किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रेस है ये मेरा बनारसी का है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का है। इस पर जो है ये इस तरह से कट, ये ट्राउज़र है। सबसे पहले आप ट्राउज़र देखें, ट्राउज़र पे मैंने इस तरह से ये वर्क किया है कट वर्क का, और ये मैंने अलग से ही पट्टी इसकी लगाई है क्योंकि इसमें कपड़ा कम था। वूलन की जो कलेक्शन होती है उसमें इतना ही कपड़ा होता है कि हम ड्रेस ही बना सकते हैं इजीली। तो ये है इसमें, और ये जो है एक्चुअली ये था शर्ट की शर्ट का कपड़ा, और ये था दुपट्टा, ये था दुपट्टा। तो जस्ट मैंने ये दुपट्टे के अंदर मैंने ये बनाई है शर्ट, और शर्ट से बनाई है ट्राउज़र। दुपट्टा कोई भी आप इसके ऊपर ले सकते हैं। तो शलवार का जो लुक है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं ये है इस तरह से, ये कुछ इस तरह से है, और इस पर छोटे छोटे हमने पर लगा दिए हैं, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका लुक हमारे पास इस तरह से, ये है इसकी शर्ट। शर्ट में आप देख सकते हैं कि जो शर्ट में मैंने ट्राउज़र में बनाए हैं इसी तरह से ये मैंने कटवर्क इस पर बना दिया है नेक लाइन, क्योंकि मैं और कोई डिज़ाइन नहीं कर पा रही थी। और ये है पल इसके, और ये फ्यूज़ पेपर से मैंने इसका नेक लाइन बनाया है बैक और नेक का। तो ये है इस तरह की शर्ट। सेंटर में दुपट्टे में इस तरह से डिज़ाइन था, तो डिज़ाइन को मैंने आगे शर्ट में रख दिया है, और इस तरह से तीन पल लगा दिए हैं। आप चाहें तो पूरी शर्ट में इस तरह से लगा सकते हैं। और ये जो है लेस लगा दी है मैंने, लेस लगा के दोनों तरफ इस तरह से मैंने छोटे छोटे टसल्स बना दिए हैं। जस्ट बहुत ही सिंपल है ये, इतने वो नहीं है मुश्किल बनाना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और चार दामन में इस तरह से इसकी लेस लगा दी है। सिंपल है बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से मैंने बनाया है। इसका जो लुक है ज़्यादा ये इस तरह की, ये लेस लगाने से चेंज हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सी डिज़ाइनिंग है पर ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये इसमें मैंने नेकलाइन में भी और स्लीव्स में भी इस तरह से लेस लगा दी है। और ये जो है दुपट्टे की माथा पट्टी पे ये था, तो मैंने ये इस तरह से कटिंग करके स्लीव्स में लगा दी है। और ये है इसका कुछ इसका बैक साइड इस तरह से, ये है लेसेस, ये है लेस इस तरह से, सो दैट आप देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शर्ट का कुछ इस तरह से। अब जो है मेरे पास वो लोन की शर्ट है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये कुछ इस तरह की शर्ट है। ये इसकी मैंने इस तरह से ये नेकलाइन लगाई हुई है, नेकलाइन पे मैंने ये जो है ये वर्क किया है प्रिंटक्स का, और ऊपर लगाई है मैंने पल पल के, और यहाँ पे मैंने लेसेस लगा दी है, और यहाँ पे ये छोटी सी पट्टी लगा दी है बॉटम लेस की। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ये भी लगाए हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये है स्लीव्स सिंपल सी, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। और ये है इसकी दामन, ये है इसकी सिंपल सी दामन, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से है, और पीछे से मैंने इस तरह से ये ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगा दी है। ये गर्मियों का ही सूट है तो स्टिचिंग के लिए आया था, तो अब स्टिच हुआ है। वैसे भी यहाँ पे गर्मियाँ सर्दियाँ इतनी आती नहीं है, तो इस तरह से फिर ये जो है इसका नेकलाइन कुछ इस तरह से बनाया है, बस इस तरह से कर दे के। और ये अगर ये आप गला बनाते हैं तो सबसे पहले ये बना के अटैच कर ले, उसके बाद आप गला बनाएं तो ज़्यादा इजी रहता है। तो ये कुछ पीसीस मेरे पास बचे हुए थे इसी शर्ट में से, तो मैंने इसमें से छोटी बच्ची का फ्रॉक भी बना दिया है। साइड में से जो पीस बचता है, जो स्लीव्स है इसकी हाफ स्लीव्स थी, और स्लीव्स के जो कपड़ा था वो बच गया मेरे पास, ये फ्रॉक में लगा दिया, और ऊपर ये कंट्रास्ट में दूसरा कपड़ा लगा दिया। इसमें मैंने छोटा सा ये बटन लगाया हुआ है, और ये जो है पल की माला लगाई है दैट, और ये मैंने इसे पीछे
भी कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि ये मदर का था तो उसमें से कुछ पैचेस बचे हुए थे, तो मैंने इस तरह से इन्हें लगा दिए हैं। और सेंटर में मैंने ये लगाई है और नीचे फ्रिल लगा दी है, और फ्रिल वाले जो है वो स्लीव्स मैंने बनाए हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं। ये हिरन का सूट है और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये गर्म वाला है, बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और मैंने इसके साथ साथ ये जो है लेस अटैच कर दी है, तो ऐसे ही लग रहा है कि रेडीमेड है, रेडीमेड में इसी तरह से काम किए हुए होते हैं। तो अब चलते हैं मदर की ड्रेस की तरफ। तो ये है शलवार जिसमें मैंने ये समोसा जो बनता है वो बना के अप डाउन में कर दी है, ऊपर एक पल लगाए, तीन टक्स यहाँ पर। और अब ये है, ये नेकलाइंस की बनी हुई है, और ये इस तरह से इसका नीचे ये मैंने बना दिए हैं दो, और ये है मेरे पास इस तरह से पैंट इसका, और ये है इसकी स्लीव्स। पीछे से मैंने इसको ये है पट्टी जो पाइपिंग लगती है वो लगाई हुई, दोनों स्लीव्स में इस तरह से काम किया है, और चार दामन में मैंने पाइपिंग लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ऐसा डिज़ाइन। बस लास्ट है, ये भी छोटी बच्ची का ही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें कुछ भी नहीं किया, ये ट्राउज़र के साइड में से पीस बचते हैं, मैंने उसी से ही काम किया है। तो ये फोर टू फाइव ईयर की बेबी के लिए टॉप अच्छा रहता है, और नीचे टॉप पे पैंट पे हम पहना सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो है फ्यूज़ पेपर से मैंने इसका नेकलाइन बनाया है इस तरह से, ठीक है। और पीछे से ये मैंने ओपन रखा है, अंदर जो है थोड़ा सा कपड़ा लगा देते हैं तो वो थोड़ा सा बंद रहता है, सही लगता है इस तरह से। और नेक पे मैंने इस तरह से लेस लगा के कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है, और ये है इसकी स्लीव्स कैप वाली, और नीचे से और पट्टी से मैंने इसको लॉक कर दिया है, सिंपल है और कुछ नहीं। और इसमें मैंने पॉकेट लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि पॉकेट पहले से आप ये